नमस्कार दोस्तों, इंफ्राटॉक्स के एक बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं हमारे स्मार्टफोन एक्सपोर्ट से, जहां पर दोस्तों हमारी गवर्नमेंट की इलेक्ट्रॉनिक पीएलआई स्कीम सक्सेसफुल जाती हुई देखने को मिल रही है, क्योंकि इस पीएलआई पुश के चलते हमारे देश के स्मार्टफोन एक्सपोर्ट्स ऑन गोइंग फाइनेंशियल ईयर में $10 बिलियन क्रॉस कर गए हैं। दोस्तों इंडियन रुपीज़ में एक्सपोर्ट्स 85,000 करोड़ रुपीज़ से ऊपर के रिकॉर्ड किए गए हैं। और अगर आपको याद होगा तो आज से 2 हफ्ते पहले मैंने आपको बताया था कि हमारे स्मार्टफोन एक्सपोर्ट्स इस ऑनगोइंग फाइनेंशियल ईयर में $10 बिलियन काफ़ी ईजिली क्रॉस कर जाएंगे। और अब इसका डेटा भी हमारे सामने रख दिया गया है। अपने आप में दोस्तों ये एक रिमार्केबल ग्रोथ है, क्योंकि आज से 3-4 साल पहले हमारे देश के स्मार्टफोन एक्सपोर्ट्स बिल्कुल नेग्लिजिबल ही थे, पर जब से पीएलआई स्कीम हमारे देश में इंप्लीमेंट की गई है तब से देखा जा रहा है कि हमारे देश में स्मार्टफोन्स की जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है वो तो बूस्ट हुई हुई है। इसके अलावा जो एक्सपोर्ट्स हैं उनमें भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। यूएई, यूएस, नीदरलैंड्स, यूके एंड इटली, ये ऐसी top 5 कंट्रीज रही हैं जहां पर सबसे ज़्यादा स्मार्टफोन के एक्सपोर्ट्स हमारे देश से किए गए हैं। सैमसंग और एप्पल ये एक्सपोर्ट्स में बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर रहे हैं, क्योंकि 90-95% कंट्रीब्यूशन इन्हीं का रहा है। और उसमें आपको बता दूं कि ये अभी जस्ट एक स्टार्ट ही है। अब यहां से आप देखेंगे कि हर साल स्मार्टफोन एक्सपोर्ट्स में 25-30% का ग्रोथ देखने को मिलेगा। अगली दोस्त अपडेट निकल कर आ रही है एयर टैक्सीज की मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, जहाँ पर दोस्तों यूएस बेस्ड एयर टैक्सी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जॉन्ट एयर के द्वारा ये डिसाइड किया गया कि वो हमारे देश में एयर टैक्सीज की मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करेंगे। और इसके लिए इन्होंने इंडियन कंपनी L&T के साथ टाइप कर लिया है। दोस्तों जैसा कि आप जानती हैं कि एयर टैक्सी या फिर जो फ्लाइंग टैक्सी है, ये एक तरह का न्यू कंसेप्ट है जिसके ऊपर भी काम चल रहा है। जॉन्ट एयर के द्वारा कहा ऐसा गया है कि अभी उनको हमारी एक इंडियन चॉपर ऑपरेटर से 250 एयर टैक्सीज का ऑर्डर मिला है, तो इसी के चलते वो हमारे देश में ही इस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को सेटअप करेंगे जहां पर एयर टैक्सीज की मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी। बेसिकली इस कंपनी का प्लान ये है कि ये 2 फैक्ट्रीज को ऑपरेट करेंगे, इसमें से एक यूएस में होगी जबकि दूसरी इंडिया में होगी। दोनों फैक्ट्री 2025 तक ऑपरेशनल हो जाएंगी। और इनफैक्ट इंडियन फैक्ट्री में तो इस कंपनी के द्वारा ड्रोन्स की प्रोडक्शन भी स्टार्ट की जानी है, और ये तो अगले साल से स्टार्ट हो जाएगी। अगली दोस्त अपडेट निकल कर आ रही है एक न्यू बाईपास से रिलेटेड, जहां पर दोस्तों उत्तराखंड में रुद्रपुर बाईपास के लिए हमारी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा लैंड एक्विजिशन का काम कंप्लीट कर दिया गया है और इसका कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट किया जा सकता है। दोस्तों रुद्रपुर बाईपास टोटल 21.476 किलोमीटर लंबा होगा, जो नेशनल हाईवे 74 पर कीचा रोड को रामपुर डिस्ट्रिक्ट के कई सारे विलेज से कनेक्ट करेगा। इसके अलावा ये बाईपास भगवानपुर से होता हुआ जाएगा, जो फर्दर पंतनगर इंडस्ट्रियल एरिया को कनेक्ट करेगा। 104.5 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड इसके कंस्ट्रक्शन को लेकर एक्वायर की गई है, जो उत्तराखंड के उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट और यूपी के रामपुर डिस्ट्रिक्ट, इन दोनों डिस्ट्रिक्ट में आती है। टोटल 1,051 करोड़ रुपीज हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के द्वारा इस बाईपास के कंस्ट्रक्शन के लिए सैंक्शन किए गए थे, जिसमें से लैंड एक्विजिशन के ऊपर 451 करोड़ रुपीज स्पेंड किए जा चुके हैं। वो जो रिमेनिंग 600 करोड़ रुपीज है अब वो इसके कंस्ट्रक्शन के ऊपर स्पेंड किए जाएंगे। अगली दोस्त अपडेट निकल कर आ रही है एक न्यू वंदे भारत ट्रेन से रिलेटेड, जहां पर दोस्तों राजस्थान स्टेट के लिए जो वंदे भारत ट्रेन ऑपरेट की जानी थी उसको फाइनलाइज कर दिया गया है, और कल हमारे प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा इसको फ्लैग ऑफ किया जाना है। दोस्तों आज से 1-2 हफ्ते पहले मैंने आपको बता दिया था कि दिल्ली से अजमेर के बीच भी वंदे भारत ट्रेन आपको ऑपरेट होती देखने को मिलेगी। हालांकि पहले इसको जयपुर तक ऑपरेट किया जाना था, लेकिन बाद में इसको अजमेर तक एक्सटेंड कर दिया गया है। और उस समय अपडेट सामने निकल कर आ रही थी कि इसको अप्रैल के पहले वीक में ही फ्लैग ऑफ कर दिया जाएगा, पर क्योंकि रिसेंट डेज में देखने को मिला है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा कई सारे स्टेट्स में कई सारे ब्रिज इनॉग्रेट किए गए हैं, तो इसी के चलते इसको थोड़ा सा 4-5 दिन डिले कर दिया गया है। लेकिन अब कल से आपको ये इस रूट पर ऑपरेट होती देखने को मिलेगी। दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन से स्टार्ट होकर गुड़गांव, अलवर और जयपुर, यहाँ पर स्टॉप होते हुए ये अजमेर में जाकर टर्मिनेट होगी। टोटल 5 घंटे 15 मिनट में ये जर्नी कंप्लीट हो जाएगी, और इस रूट पर ऑपरेट होने वाली ये फास्टेस्ट ट्रेन होगी, क्योंकि आज के समय में इसी सेम रूट पर शताब्दी ट्रेन भी ऑपरेट करती है, जो कि हमारी रेलवे की वन ऑफ द फास्टेस्ट ऑपरेटिंग स्पीड वाली ट्रेन है। 6 घंटे 15 मिनट शताब्दी ट्रेन को इस रूट को कवर करने के लिए लगते हैं, जबकि वंदे भारत ट्रेन इस रूट को 1 घंटे कम में ही कवर कर देगी। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है चेन्नई मेट्रो से रिलेटेड, जहां पर दोस्तों चेन्नई यूनिफाइड मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड को कहा गया है कि चेन्नई मेट्रो को कुथम्बक्कम तक एक्सटेंड कर दिया जाए, क्योंकि अगर यहां तक इसको एक्सटेंड कर दिया जाता है तो लोग काफ़ी इजीली अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन मीन्स को यूज़ कर पाएंगे। दोस्तों थोड़ा सा मैं आपको इसका बैकग्राउंड दूँ, तो कुथम्बक्कम में एक बड़ा बस टर्मिनल सेटअप किया जा रहा है, जो कि ओवरऑल 25 एकड़ के एरिया में फैला होगा। इसी बस टर्मिनल से कुछ किलोमीटर के दूर पर चेन्नई मेट्रो की लाइन 4, जो कि लाइट हाउस से पूनामले बाईपास के बीच में बनकर तैयार हो रही है, इसके ऊपर काम चल रहा है, और प्रायोरिटी बेसिस पर इसको अगले 3 सालों के अंदर अंदर कंप्लीट भी किया जाना है। तो चेन्नई यूनिफाइड मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ये चाहती है कि इस मेट्रो लाइन को पूनामले से थोड़ी और किलोमीटर आगे
कुथम्बक्कम तक स्टैंड कर दिया जाए और वहां पर इसको टर्मिनेट किया जाए, क्योंकि अगर वहां पर इसको टर्मिनेट किया जाता है तो लोग बस और मेट्रो दोनों में काफ़ी इजीली ट्रैवल कर पाएंगे, और क्योंकि ये प्रपोजल काफ़ी ज़्यादा जायज भी है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी है तो मोस्ट प्रोबेबली इसको अप्रूवल दी जाएगी। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट से रिलेटेड, जहां पर दोस्तों अहमदाबाद रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट के लिए एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर और न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट के लिए एलएनटी दोनों लोएस्ट बिडर सामने निकल कर आ गए हैं। पर क्योंकि ये बिड्स हमारी रेलवेज के एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग काफ़ी बड़ी हैं तो इसी के चलते हमारी रेलवेज इनको इवेल्युएट करेगी। तो दोस्तों थोड़ा सा मैं डिटेल में बताऊं तो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट के लिए हमारी रेलवेज के द्वारा एस्टिमेशन लगाया गया था कि 5,000 करोड़ रुपीस के ऊपर स्पेंड किए जाएंगे, लेकिन एलएनटी जो कि लोएस्ट बिडर रहा है उनके द्वारा 8,740 करोड़ रुपीज़ की बिड लगाई गई है, जो कि ऑलमोस्ट 1.5 से 2 गुना ज़्यादा बड़ी है। सिमिलरली अहमदाबाद रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट के लिए भी 3,000 करोड़ रुपीज़ का एस्टिमेशन हमारी रेलवे के द्वारा लगाया गया था, लेकिन एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर जो अगेन लोएस्ट बिडर है इनके द्वारा 5,355 करोड़ रुपीज़ की बिड लगाई गई है, जो अगेन 1.5 से 2 गुना के आसपास है। और क्योंकि दोस्तों ये बिड्स काफ़ी बड़ी हैं तो अब हमारी रेलवेज इनके साथ डिस्कशंस करेगी ताकि इन प्राइस कोटेशन को कम किया जाए, और अगर इनका कोई सलूशन निकलता है तो इनको टेंडर दिया जाएगा, अदरवाइज आपको ये टेंडर दोबारा से फ्लोट होता देखने को मिलेगा और फिर ओरिजिनल डेवलपमेंट प्लान में कुछ चेंजेस भी किए जाएंगे। बढ़ेंगे दोस्तों अगले अपडेट की तरफ जो निकल कर आ रही है नागपुर मेट्रो से रिलेटेड, जहां पर दोस्तों महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा नागपुर मेट्रो का रिवाइज्ड प्लान अप्रूव कर दिया गया है और अब 6,708 करोड़ रुपीज स्पेंड करके फेज़ टू के ऊपर काम किया जाएगा। दोस्तों प्री प्लान के अकॉर्डिंग नागपुर मेट्रो के फेज़ टू के ऊपर 10,500 करोड़ रुपीज स्पेंड किए जाने थे, लेकिन रिवाइज प्लान के अकॉर्डिंग और DPR के अकॉर्डिंग अब इसको 6,708 करोड़ रुपीज से ही रेडी कर दिया जाएगा। फेज़ टू में नागपुर मेट्रो में 4 स्टेचेस बनाई जाएंगी जिनकी टोटल लेंथ 43.2 किलोमीटर की होगी और टोटल 32 मेट्रो स्टेशन में बनकर तैयार होंगे। पहली स्टेच ऑटोमोटिव स्क्वायर से कान्हान रिवर तक होगी जिसकी लेंथ 13 किलोमीटर की होगी। सेकंड स्टेच लोकमान्य नगर से हिंगना के बीच में होगी जिसकी लेंथ 6.7 किलोमीटर की होगी। थर्ड स्टेच प्रजापति नगर से ट्रांसपुर नगर तक होगी और ये 5.6 किलोमीटर लंबी होगी, जबकि लास्ट स्टेच मिहान से बूटीबोरी तक होगी और इसकी लेंथ 18.5 किलोमीटर की होगी और ये इन सब में से लॉन्गेस्ट स्टेच होगी। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारी स्टेट इकोनॉमी से रिलेटेड, जहां पर दोस्तों हमारी RBI के द्वारा हमारी स्टेट्स के GSDP ग्रोथ को लेकर डेटा पब्लिश कर दिया गया है और इस डेटा के अकॉर्डिंग गुजरात स्टेट अगेन हमारे देश की फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट सामने निकल कर आई है। दोस्तों बाय डेटा में अगर मैं आपको बताऊं तो गुजरात स्टेट 8.2% के CAGR के साथ में ग्रो हो रही है जो कि हमारे देश में फास्टेस्ट है। 7.3% के CAGR के साथ में कर्नाटका सेकेंड फास्टेस्ट रही है, जबकि 6.7% के CAGR के साथ हरियाणा को थर्ड फास्टेस्ट का टैग दिया गया है। इसके बाद मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, ओडिशा, दिल्ली और असम इनको टॉप 10 के रैंक दिए गए हैं। बात करें स्लोएस्ट ग्रोइंग स्टेट्स के बारे में तो 3.9% के CAGR के साथ केरला स्टेट हमारे देश की स्लोएस्ट ग्रोइंग स्टेट रही है। इसके बाद 4.1% के CAGR के साथ जम्मू कश्मीर सेकेंड स्लोएस्ट और 4.2% के CAGR के साथ झारखंड हमारे देश की थर्ड स्लोएस्ट ग्रोइंग स्टेट रही है। आज की दोस्तों लास्ट अपडेट निकल कर आ रही है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे से रिलेटेड, जहां पर दोस्तों अमरनाथ धाम तक रोड कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के द्वारा नेशनल हाईवे की वर्डनिंग को अप्रूव कर दिया गया है और 5,300 करोड़ रुपये स्पेंड करके इसकी वर्डनिंग के ऊपर काम किया जाएगा। सो बेसिकली दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर में खनाबल से पंचतरनी तक जो 110 किलोमीटर का नेशनल हाईवे का पार्ट है इसी की वर्डनिंग के ऊपर काम किया जाएगा। इसके साथ साथ पंचतरनी से अमरनाथ धाम तक एक 5 किलोमीटर का कॉन्क्रीट फुटपाथ भी बनाया जाना है। शेषनाग से पंचतरनी तक एक 10 किलोमीटर की टनल भी बनाई जाएगी जो कि एक ऑल वेदर टनल होगी, और कहा से जा रहा है कि बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर में रिलीजियस टूरिज्म और जनरल टूरिज्म दोनों को प्रमोट करने के लिए स्टेप्स उठाए जा रहे हैं। इस हाईवे एक्सपेंशन या फिर वाइडनिंग के अलावा हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के द्वारा बालटाल से अमरनाथ धाम तक 9 किलोमीटर का एक रोपवे भी अप्रूव किया गया है जिसके टेंडर नवंबर में दिए जाएंगे और 750 करोड़ रुपीज उसके ऊपर भी स्पेंड किए जाने हैं और 750 करोड़ रुपीज़ उसके ऊपर भी स्पेंड किए जाने हैं। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं, और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।